मारुति जेन्युइन फोक लैंप, उसके ऊपर क्रोम 160 वाट का है, चेकआउट कर सकते हो इसका थ्रो। उसके ऊपर हमने डीआरएल लगाया है जिसमें हमारा इंडिकेटर भी ब्लिंक करेगी, हैंडल क्रोम भी लगा है, साइड फिटिंग जेन्युइन है, डिग्गी पत्ती रियर गार्ड एक अपडेट किया है क्योंकि K3 छह पीस वाली है। तो चारों गत्तों में और डैशबोर्ड पे मिल जाएंगे, देख लो डैशबोर्ड में दोनों तरफ मिल जाएंगे, चारों गत्तों में दरवाजों में मिल जाएंगे। सीट कवर फुल बकेट में है, कहीं से आप जाएगी रिंकल नहीं निकाल सकते। स्टीयरिंग रैप भी हुआ, काफी अच्छा स्टीयरिंग रैप, दरवाजा वो भी डायमंड के साथ, इसमें कंपनी आर्मरेस्ट नहीं देती, हमने आर्मरेस्ट भी लगाए, सीलिंग भी हम सेम कलर का किए हैं। इसमें जो है हम फ्लोरिंग किए कोकरो टाइल वाले, GFX 7D 5D 4D 3D सारे मैट अवेलेबल है। किसी भाई को अगर जो डैम्पिंग कराना हो, पर सीट कितने रुपए है? डैम्पिंग अपने पास भैया 400 से स्टार्टिंग है। 400 से कितने रन तक जाती है? 400 से लेकर के 1000 रुपए तक का डैम्पिंग है। अच्छा, उसके बाद इसमें हम सेंटर लॉकिंग लगाए हैं। ये अनलॉक हो गया, ये लॉक हो गया, ये लॉक हो गया। सीट कवर अपने पास जाएगी 3500 से लेकर के भैया 10,500 के रेंज तक का है। अगर आप पूरे बेस गाड़ी लेके आते हो जी, ठीक है ना, बेस टू टॉप करवाते हो, हमारे तरफ से आपको आर्मरेस्ट जो है फ्री मिलेगा। तो मारुति की जेन्युइन आर्मरेस्ट रहेगी। तो गाड़ी के ओनर आ गए, अब सर से बात करते हैं। सबका शुभ नाम सर? मेरा नाम राकेश है, कुमार राकेश जी। हाँ। तो राकेश जी आपको काम कैसा लगा? एक नंबर काम है, काम एक नंबर लगा। हाँ, जो आप अच्छा सोच के आए थे उससे भी अच्छा काम हुआ। उससे है। आप झांसी से आया हूँ। आए कैसे सर? वीडियो देख के सर। और आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, थैंक यू सर। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? सो दोस्तों, आज फ्यूज कार्ड डेकोर पे आई है ब्रेजा, जो कि आप सब देख सकते हो ब्रेजा है। तो हमारे साथ है श्री जी, श्री जी बताने वाले हैं इसमें क्या चीजें अपडेट करने वाले हैं। तो कैसे हो श्री जी? बढ़िया जी। पहले आप यहाँ का एड्रेस बता दो। ये अपना एड्रेस है, ये करोलबाग अब्दुल अजीज रोड नियर बाय MCD पार्किंग आनंद होटल। चलिए आप बताइए इसमें फ्रंट हाइज से क्या चीज अपडेट करने वाले हो? जो है कि एक हम फोग लैंड कंपनी नहीं देती है, फोग लैंड जी, और उसके बाद फोग लैंड क्रोम, फोक लैंप क्रोम भी लगा, उसके बाद फोक लैंप, और हेड लाइट पे कंपनी हैलोजन बल्ब देती है जो कि हम एलईडी। तो हेड लाइट में एलईडी पड़ने वाला कितने वाट का? 160 वाट। उसके ऊपर डीआरएल भी लगा है, ऊपर यहाँ पे डीआरएल लगा है। चलिए चिपदाने वाला डीआरएल हो गया। अब साइड की बात कर लेते हैं, साइड में क्या चीजें अपडेट हो रही है? साइड में अपना डोर वाइजर हो गया, प्लेन लाइन, लोअर गार्निश, साइड बीटिंग, उसके बाद हैंडल क्रोम। साइड बीटिंग जेन्युइन वाले है? जेन्युइन, ठीक है। जेन्युइन वाले साइड विंग, ऊपर भी रूफ रेल लगा है जो कि पेस्टिंग वाला है। चलिए बंदर की बात कर लें, पहले बैक साइड की बात कर लेते हैं। बैक साइड में क्या चीजें अपडेट हुई है? तो टेल लाइट क्रोम अभी लग चुका है। नीचे रियर गार्ड के लिए रियर गार्ड भी लगा है, जो कि आपको ब्रेजा का नाम लोगो दिखता होगा मिल जाएगा। उसके बाद कैमरा भी आपको मिल जाएगा। चलते हैं अंदर, अब अंदर की बात कर लेते हैं, अंदर क्या चीजें अपडेट होने वाली है? तो अंदर हम इंटीरियर के हिसाब से जो है कि स्टीयरिंग कवर भी लग रहा है, उसके बाद सीट कवर। हाँ जी, सीट कवर हमारा सेम कलर का है, सेम कलर। उसके बाद आप दरवाजा देख सकते हैं। अच्छा, इंटीरियर साथ ही साथ गत्तों में डैशबोर्ड सारा कुछ हो रहा है। हाँ जी, सेम कलर हम रूफ में लगाएंगे, जो रूफ खुला हुआ है अभी आपको ये देखने को मिल जाएगा, ये भी सेम कलर में। तो अभी छत में भी लगेगा वही। उसके बाद डैशबोर्ड का पार्ट, डैशबोर्ड गत्ते सब समेत पूरे सीट कवर के साथ ही एक ही कलर में हो रहा है। कॉर्पोरेट फ्लोरिंग हो गया, तो देख सकते हो फ्लोरिंग भी काफी अच्छा फ्लोरिंग है। फ्लोरिंग दो आता है, एक आती है सिलाई वाला, ये सबसे बेस्ट होता है, सबसे हैवी और बढ़िया क्वालिटी में। उसके बाद एम्बियंस लाइट भी लग रही है, इसमें एम्बियंस लाइट लगा है जो कि हमारे K3 रहने वाला है। तो देख सकते हो यहाँ एम्बियंस लाइट भी दरवाजों में अभी लग चुकी है, इसको भी दिखाने वाले हैं। और क्या चीजें अपडेट हुई हैं? उसके बाद हम कंपनी के सिस्टम के अंदर ही कैमरा चालू किए हैं। ये जो कंपनी का सिस्टम है इसमें कैमरा अपडेट हो चुका है, वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं लास्ट में। और सीट कवर भी हो रहा है, फ्लोरिंग सारा कुछ हो रहा है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आपको आज दिखाने वाले हैं इंटीरियर कैसे करवा सकते हो, कितने प्राइस में करवा सकते हो, सीट कवर, फ्लोरिंग। उसके बाद आप एंड्रॉयड भी लगवाना चाहते हैं ब्रेजा में, वो भी आपको लग जाएगा प्यूस कार डेकोर पे। सो गाइज, अपनी ब्रेजा हो चुकी है तैयार, अब हमारे साथ है श्री जी। श्री जी फ्रंट साइड से चेकआउट कराने वाले हैं, इसमें क्या क्या चीज अपडेट किए हैं? तो श्री जी बताइए इसमें क्या क्या चीजें अपडेट हुई? इसमें कंपनी जो है फोक लैंप लगा के नहीं देती है, हाँ, जबकि हम इसमें मारुति का जेन्युइन फोक लैंप लगा, तो मारुति जेन्युइन फोक लैंप लगा है। हाँ,
और इसके ऊपर क्रोम भी लगा, ऊपर हम ये क्रोम लगाए हैं। तो देख सकते हो मारुति जेन्युइन फोक लैंप, उसके ऊपर क्रोम हेडलाइट में, उसके बाद हेडलाइट में कंपनी जो है हाइलोजन बल्ब देती है, हाइलोजन देती है, एलईडी में जो है कन्वर्ट किया है। चलिए ठीक है, इसका एलईडी चेकआउट कितने वाट का है? 160 वाट कैनमन रहने वाली है। तो 160 वाट का चेकआउट कर सकते हो इसका थ्रो, देख सकते हो काफी अच्छा थ्रो आने वाला है। और उसके ऊपर, उसके ऊपर हम ये डीआरएल लगा है जिसमें हमारा इंडिकेटर भी ब्लिंक करेगी। इसके ऊपर देख सकते हो डीआरएल लगा है, इंडिकेटर तो काफी इंडिकेटर ब्लिंक काफी अच्छा, देख सकते हो काफी अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा डीआरएल के साथ में है। जो कि इसमें क्या क्या चीजें मिलने वाली है, इसमें हमारा जो है एक पार्किंग रहेगा, एक इंडिकेटर रहेगा, जैसे कि आप दूसरे साइड देख सकते हैं इसमें फिर पार्किंग जल रहा है। तो देख सकते हो इधर पार्किंग जल रहा है, और एलईडी से पता नहीं चलेगा आपको, अभी यहाँ से देखिए तो एलईडी बुझा दीजिए उसके बाद दिखेगा। तो देख सकते हो थरो इस साइड को आपको पार्किंग मिल जाएगा, इस साइड में इंडिकेटर चालू है, इंडिकेटर का मोड इस साइड है, यानी कि इस साइड इंडिकेटर, उस साइड पार्किंग मिल जाएगा। अब चलिए उसके बाद हम साइड प्रोफाइल की बात करें। हाँ, साइड प्रोफाइल की बात कर ले, साइड में क्या क्या चीजें अपडेट हुई है। डोर वाइजर देख सकते हो, डोर वाइजर लगा है जो कि क्रोम वाला नहीं, हैंडल क्रोम भी लगा है। साइड फिटिंग जेन्युइन मारुति की, तो साइड फिटिंग जेन्युइन है जो कि जेन्युइन का पहचान, यहाँ देख सकते हो जेन्युइन का पहचान आपको नजर आएगा। ऊपर क्या लगे, तो ऊपर रूप रैल लगा है जो कि टेस्टिंग वाला है, गाड़ी हिल जा रही है लेकिन रूप रैल को कुछ टेस्टमेंट नहीं होगा। उसके बाद क्या लगा है, बैक प्रोफाइल की लोअर गार्निश भी साथ में साथ लगा है। लोअर गार्निश कितने पीस की आती है? लोअर गार्निश आती है 6 पीस, 6 पीस की आई। चलिए अब बैक प्रोफाइल की बात कर लेते हैं, देख सकते हो टेल लाइट क्रोम भी लगा है, काफी अच्छा लुक आ जाएगा। उसके बाद नीचे डिग्गी पट्टी, तो देख सकते हो डिग्गी पट्टी लगा है काफी वो अच्छा, पतली वाली नहीं है, लोहे वाली ईबीएस में रहेगी, तो एबीएस क्वालिटी का, एबीएस क्वालिटी रहेगी, तो काफी अच्छा आपको मिल जाएगा। उसके बाद कई बंदे क्या करते हैं, एबीएस बोल करके आपको पत्ती पकड़ा देंगे, पत्ती पकड़ा देंगे, सफाई में जो है कि हाथ भी काट सकते हो। तो ये हाथ कटने वाला इसमें कोई सीन नहीं है, जो कि प्रॉपर तरीके से देख सकते हो प्रॉपर बैठा है। उसके बाद क्या चीज अपडेट हुई है, उसके बाद जो है कि हम रियर गार्ड एक अपडेट किए हैं, क्योंकि गाड़ी हमारा दूर से आया हुआ है। तो देख सकते हो रियर गाड़ी कहाँ की है, गाड़ी हमारा एमपी से, तो एमपी की गाड़ी है। उसके बाद कैमरा भी लगा है, कैमरा नाइट विजन कैमरा डाले हैं, तो एचडी है, एचडी कैमरा है, नाइट विजन एचडी, एचडी होने वाली है। चलिए अब अंदर की बात कर लेते हैं, अंदर क्या क्या चीजें अपडेट हुई हैं, क्या चीज अपडेट हुआ है कि हम लगाए एम्बियंस लाइट, देख सकते हो दरवाजे के गत्ते में एम्बियंस लाइट, एम्बियंस लाइट कौन सी वाली है, एम्बियंस लाइट भैया K3 6 पीस वाली है। तो 6 पीस वाली है जो कि आपको चारों गत्तों में और डैशबोर्ड पे मिल जाएंगे, देख लो डैशबोर्ड में दोनों तरफ मिल जाएंगे, चारों गत्तों में दरवाजों में मिल जाएगा। उसके बाद सीट कवर, तो देख सकते हो सीट कवर भी लगा है, काफी सीट कवर फुल बकेट में है, कहीं से आप जो है कि रिंकल नहीं निकाल सकते, देख सकते हो फुल बकेट और काफी अच्छा, जैसे सोफे का फिटिंग आ जाता है वैसे सेम टू सेम सोफे जैसा फिटिंग, सीट कवर के साथ सेम कलर का स्टेयरिंग, स्टेयरिंग रैप भी हुआ काफी अच्छा, स्टेयरिंग रैप सेम कलर, डैशबोर्ड, डैशबोर्ड पूरा इंटीरियर हुआ है, डैशबोर्ड सेम कलर, दरवाजा वो भी डायमंड के साथ, देख सकते हो काफी अच्छा, इसपे भी आपको काफी अच्छा मिल जाएगा, जो कि इंटीरियर पूरा हुआ है। इसमें कंपनी अमरेस्ट नहीं देती, हमने अमरेस्ट भी लगाए तो अमरेस्ट के साथ उसके ऊपर आप भी सेम हम सीट कवर का किए, सीट कवर का जो लेदर होता है सेम टू सेम वही कपड़ा चढ़ा है, इंटीरियर पूरा हुआ है, देख सकते हो सेलिंग भी मिली, सीलिंग भी हम सेम कलर का किए, तो सेलिंग भी वही सेम कलर आपको आपको देखने को मिल जाएगा, काफी अच्छा देख सकते हो सेलिंग भी आपको देखने को मिल जाएगा। पीछे का सीट, उसके बाद आगे का सीट, यहाँ देख सकते हो स्टीयरिंग रैप, चारों गत्तों में स्टेयरिंग कंट्रोल भी लगा, बेस मॉडल गाड़ी थी ये, तो एकदम बेस मॉडल गाड़ी थी जो कि देख सकते हो स्टेयरिंग कंट्रोल लगा, यहाँ से आप फोन रिसीव, ये मोड है आपका। चलिए बात कर लेते हैं बेस की, बेस में क्या किए वो, बेस में जो है कि हम फ्लोरिंग किया कोक्रोडाइल वाली, तो इसमें फ्लोरिंग दो प्रकार की आती है। हाँ जी, एक आती है लोकल सी घटिया जो मार्केट में सिलाई वाली यूज करते हैं, हैवी बोल करके, हैवी वाली क्वालिटी है कोक्रोडाइल वाला। हाँ जी, उसके ऊपर लगा मैट जो कि GFX मैट मिल जाएगा, तो कंपनी वाली है ये, तो कंपनी की है, लेकिन हमारे पास GFX 7D 5D 4D 3D सारे मैट अवेलेबल है, सारे मैट आपको मिल जाएंगे। अगर जो किसी भाई को डंपिंग करवाना, वैसे डंपिंग नहीं हुई है, नहीं इसमें जो है कि डंपिंग नहीं हुआ है, अगर जो बजट पूरा कम था तो डंपिंग जो है कि हमारे पास गाड़ी अभी एक हफ्ते है, एक हफ्ते बाद होगी। तो किसी भाई को अगर जो डंपिंग कराना हो, पर सीट कितने रुपए है, डंपिंग अपने पास भैया 400 से स्टार्टिंग है, 400 से कितने रन तक जाती है, 400 से लेकर के 1000 रुपए तक का डंपिंग है। अच्छा, 1000 रुपए तक डंपिंग है। इसमें स्पीकर लगा है? हाँ जी, इसमें स्पीकर जो है कि कंपनी का था वो हम चेंज किए हैं, JBL का लगाया है 6500 रुपए का, आगे को जो है कि कंपोनेंट, पीछे को एक्सल। उसके बाद क्या लगा इसमें,
उसके बाद इसमें हम सेंटर लॉकिंग लगाए हैं। सेंटर लॉकिंग वन डोर आता है इसमें, वन डोर आता है, वन डोर वाला फ्लिप की है। हाँ। तो सेंटर लॉकिंग सिंगल सेंटर लॉकिंग एक बार चेकआउट करवा दीजिए। हाँ। सकते हो मारुति का बैजिंग आएगा, तो देख सकते हो मारुति का वो बैजिंग देखने को मिल जाएगा। ये देख सकते हो अनलॉक हो, ये अनलॉक हो गया, ये लॉक हो गया, ये लॉक हो गया, देख सकते हो। मिरर फोल्डिंग भी नहीं, मिरर फोल्डिंग ये करवाए नहीं है, बट आप करवाना चाहते हो तो आपका हो जाएगा। तो ये आपको अगर जो मिरर फोल्डिंग करवाना हो तो उसके लिए भी आपको हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हो सेंटर लॉकिंग ऑन डोर वाला हुआ है, यहाँ अनलॉक हो गई गाड़ी, ये लॉक हो गई गाड़ी, देख सकते हो काफी अच्छा है। सर जी किसी भाई को अगर जो सीट कवर चाहिए तो कितने रेंज से स्टार्टिंग है? सीट कवर अपने पास जाएगी 3500 से लेकर के भैया 10,500 के रेंज तक का है। अगर जो किसी भाई को पूरा इंटीरियर कराना हो, डैशबोर्ड, उसके बाद चारों गत्ते, उसके साथ में अगर जो सीट कवर कितने प्राइस में हो जाएगा? के साथ 10,500 का आपका पूरा काम हो जाएगा। अगर आप पूरे बेस गाड़ी लेके आते हो जी, ठीक है ना, बेस टू टॉप करवाते हो, हमारे तरफ से आपको अमरेस्ट जो है कि फ्री मिलेगा। तो अमरेस्ट अगर जो आप अमरेस्ट वो नहीं रहने वाली रहेगा, प्रॉपर जो है कि मारुति की जेन्युइन अमरेस्ट रहेगी। तो मारुति जेन्युइन जो इसमें लगा वही मिलेगा फ्री। हाँ जी। तो अगर जो आप बेस मॉडल ब्रेजा लेके आते हो तो मारुति जेन्युइन जो आपको अमरेस्ट है वो आपको फ्री मिलेगा। तो ये मिलेगा कहाँ, किस दुकान से? सिर्फ ये मिलेगा आपको पीयूष कार डेकोर पे। तो पीयूष कार डेकोर को आप संपर्क कीजिए, काफी अच्छा यहाँ काम होता है। अब चलते हैं, मिलते हैं गाड़ी के ओनर से, वो पसंद आया नहीं पसंद आया अब गाड़ी के ओनर से बात करते हैं। अब गाड़ी के ओनर आ गए, अब सर से बात करते हैं। सर कैसे हो? बढ़िया। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम राकेश रेखवार। राकेश जी। हाँ। तो राकेश जी आपको काम कैसा लगा? एक नंबर काम है। काम एक नंबर लगा? हाँ, जो आप सोच के आए थे उससे भी अच्छा काम हुआ। उससे आप पैसे वैसे में कोई दिक्कत नहीं? कामों में कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। सर आए हो कहाँ से आप? मैं झांसी से आया हूँ। आए कैसे सर? वीडियो देख के सर। अच्छा, आप वीडियो देख के आए, आपको काम अच्छा मिल गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा लगा है आप लोगों से मिलके। चलिए, खुशी हुई मुझे। ठीक है सर, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, थैंक यू सर। सो गाइस, जब ब्रेजा निकलने वाली है, ब्रेजा का पेमेंट हो चुका है, तो एक बार यहाँ का एड्रेस जान लो। इस दुकान का नाम है पीयूष कार डेकोर, जो कि आपको आनंद होटल के सामने, मद्रासी मंदिर है, मद्रासी मंदिर के सामने आपको, तो पीयूष कार डेकोर के नाम से शॉप है। तो आप लोग इस शॉप पे एक बार विजिट कीजिए, ब्रेजा का काम करवाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।